एक गुरु का दास रोज गुरु के द्वार पर जाकर रोज गुरु को पुकारा करता था, लेकिन गुरु के दर्शन नहीं कर पाता था। इसलिए वह हमेशा यही सोचकर चला जाता था कि शायद मेरी भक्ति भाव में कुछ कमी है। इसलिए वो हर रोज बहुत ही प्रेम भाव से प्रभु के नाम का जाप करता। बहुत दिनों तक यह चलता रहा। एक दिन गुरुजी के साथ रहने वाले एक सेवक से रहा नहीं गया। उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये आपके दर्शनों के लिए रोज सच्चे मन से आता है और आपको पता भी होता है, तो आप इसको अपने दर्शनों से निहाल क्यों नहीं करते? तो गुरु महाराज कहते हैं, उससे ज्यादा तड़प मुझे है मिलने की, लेकिन जिस प्रेम भाव से वो प्रभु का नाम लेता है, मैं छुपकर उसकी अरदास को सुनता रहता हूं। सिर्फ इसी डर से कहीं मेरे दर्शनों के बाद वो नहीं आया तो ऐसी प्रेम भरी अरदास कौन सुनाएगा? मुझे उसकी अरदास बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं छुपकर सुनता रहता हूं। साथियों, ये जरूरी नहीं कि हम हर रोज गुरु के चरणों में अरदास करते हैं तो गुरु हमारी सुनते नहीं। हो सकता है कि गुरु को हमारी अरदास पसंद हो, इसलिए बार बार सुनना चाहते हैं। सतगुरु जी हमारी हर मोड़ पर संभाल करते हैं, इसलिए हर हाल में जैसा भी वक्त हो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए।